नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्रुति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार लौटते ही लालू प्रसाद यादव ने बड़े फैसले लिए हैं। जी, आपको बता दें कि राजद में प्रदेश महासचिव समेत कई अन्य पदों पर बड़े फेरबदल किए गए हैं और उनके नाम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आपको बता दें कि शफीक खान प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं सीतामढ़ी से। ऋषि मिश्रा प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कुल 98 प्रदेश महासचिव के जो नाम है वो बदले गए हैं और नए लोगों को इनमें चिन्हित किया गया। आपको बता दें मुन्नीलाल यादव प्रदेश महासचिव जहानाबाद से बनाए गए हैं। मदन शर्मा प्रदेश महासचिव पटना से। देव कुमार चौरसिया प्रदेश महासचिव वैशाली से। फयाज आलम कमाल जो है पूर्वी चंपारण से बनाए गए हैं। प्रेम कुमार गुप्ता पटना से। कुमार राहुल सिंह भोजपुर। अरविंद कुमार उर्फ राजेश पाल पटना। राजेंद्र कुमार उर्फ बल्ली यादव पटना से प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं। देवी किशन ठाकुर प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं। आनंद कुमार उर्फ नंदू यादव पटना से प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं। निर्भय कुमार प्रेमी उर्फ निर्भय अंबेडकर पटना से प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं। निराला यादव नालंदा से। राजेश कुमार रोशन उर्फ बबलू देव पूर्वी चंपारण से बनाए गए। उमेश राय दरभंगा से प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं। विनोद प्रसाद मुजफ्फरपुर से। भोला शाह तरुहा पूर्वी चंपारण से। सुरेश प्रसाद यादव मोतिहारी से बनाए गए हैं। इफ्तिकार अहमद उर्फ मुन्ना त्यागी बेतिया से प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं। परमात्मा राम सिवान से बनाए गए हैं। राजेंद्र सहनी समस्तीपुर से। खुर्शीद आलम सिद्दीकी पटना से बनाए गए हैं। संजीव राय सारण से। दिलीप यादव पूर्णिया से बनाए गए हैं। सचिदानंद यादव जहानाबाद से। हुमायूं अख्तर तारिक नालंदा से। रेजिया तलुक राजू जो है गोपालगंज से बनाए गए हैं। मिथिलेश प्रसाद यादव मुजफ्फरपुर से। मुकेश सिंह वैशाली। राम बहादुर यादव मधुबनी से। अनिल चंद्र कुशवाहा वैशाली से। सतीश कुमार गुप्ता पटना। नागेंद्र सिंह वैशाली। मनोज कुमार सिंह भोजपुर से। कुमार चंद्रदीप मधेपुरा से प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं। अविनाश रंजन झा मधुबनी से बनाए गए हैं। विनोद यादव पटना से। जयनाथ महतो लखीसराय से। उपेंद्र प्रसाद यादव सहरसा से। गुलाम रबानी जहानाबाद से। भाई अरुण कुमार पटना से। कृष्ण वल्लभ प्रसाद यादव नवादा से बनाए गए हैं। अशोक कुमार यादव बेगूसराय से। भोला सहनी दरभंगा से। ओम प्रकाश पासवान पटना से। देव किशोर यादव मधेपुरा। अजीमुद्दीन अंसारी कैमूर से। सुरेंद्र प्रसाद यादव बगा से। चंद्रदेव बिंद रोहतास। राजदेव चौधरी पश्चिमी चंपारण से बनाए गए हैं। जयशंकर यादव मुजफ्फरपुर से। धनिक लाल मुखिया सहरसा से। अमरेंद्र कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह गया से बनाए गए हैं प्रदेश महासचिव। ओम प्रकाश चौधरी मोतिहारी से। अशोक राम चंद्रवंशी जमुई से। अदीब रिजवी भोजपुर से बनाए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अनवर हुसैन जमुई से। शंभू सहनी बेगूसराय। कमलदेव प्रसाद उर्फ केडी यादव पटना से बनाए गए हैं। बागेश्वर कुमार उर्फ बबलू मालाकार मुजफ्फरपुर से। ब्रजमोहन मंडल सीतामढ़ी से। नरेश सनी जो है खगड़िया से बनाए गए हैं। सुरेंद्र राम गोपालगंज से। श्रीनारायण महतो मधुबनी से। अशोक कुमार वैशाली शब्बीर अंसारी मुजफ्फरपुर। मंजूर आलम खान उर्फ नूर आलम पूर्वी चंपारण से। शहीद जमाल वैशाली से। फैजूर रहमान फैज समस्तीपुर से। विजेंद्र प्रसाद यादव मधेपुरा से। बद्रे आलम बदर दरभंगा से। प्रदीप कुमार यादव सारण से। संजय यादव सुपौल। प्रेम प्रकाश शर्मा समस्तीपुर से। सदानंद झा समस्तीपुर से। अनिल शंकर सिंह शेखपुरा से। पंकज कुमार मुंगेर से। धर्मेंद्र पटेल पटना से। मोहम्मद इमाम लुहक पूर्वी चंपारण से। प्रमोद कुमार राम गोपालगंज से। अरुण यादव अररिया से। रामेश्वर चौधरी अरवल से। अशोक यादव पटना से। प्रमोद यादव मुंगेर से। श्रीनिवास सिंह रोहतास से। उदय प्रताप सिंह यादव अरवल से। तो वहीं आपको बता दें कि सुबोध सिंह औरंगाबाद से प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं। वीरेंद्र गोप गया से। उदय शंकर चौधरी दरभंगा से। सुनीति रंजन दास दरभंगा से। जय नारायण सिंह कैमूर से। मुन्नी लाल गुप्ता अरवल से। निर्मल कुशवाहा बक्सर से। अभिषेक कुमार पटना से। समेंद्र कुणाल कटिहार से। विनोद कुमार नवादा से। ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार जहानाबाद से। अस्तियाक अहमद खान शिवहर से। और देखिए ये जो नाम है कुल 99 लोग जो हैं वो प्रदेश महासचिव के तौर पर बदले गए। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रदेश सचिव जो हैं उनके नाम में भी बदलाव किया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि लौरिक यादव कैमूर से प्रदेश सचिव बनाए गए हैं। सुरेश मेहता प्रदेश सचिव औरंगाबाद से। प्रभावती देवी मांझी जहानाबाद से। सतीश पटेल नालंदा से। अब्दुल गनी कटिहार से। गिरिजा चौधरी रोहतास से। देवकी नंदन सिंह निषाद मुंगेर से। सुरेश पासवान अररिया से। सरवर आलम किशनगंज से। कुमार रंजन खगड़िया से। श्रवण कुशवाहा नवादा से। यादव कुलनंद सिन्हा अररिया से।
रामजी पासवान उर्फ व्यास जी पटना से, रामबाबू चौपाल दरभंगा से, पूनम देवी पूर्वी चंपारण, रबिया खातून भागलपुर से, राजा चौधरी पटना से। वहीं आपको बता दें कि सुदामा प्रसाद निषाद कटिहार से, धर्मेंद्र कुशवाहा बेगूसराय, आलमगीर सीतामढ़ी, देवेंद्र सिंह समस्तीपुर से, उर्मिला कुमारी लखीसराय से, रंगलाल डोम रोहतास से, श्याम किशोर कुशवाहा समस्तीपुर से, मौजी सदा दरभंगा से, हरेराम राजवार रोहतास से, संजीत कुमार ठाकुर समस्तीपुर से, सरदार रंजीत सिंह पटना से, मेदनी कृष्ण उर्फ टीपू यादव अररिया से, अभय कुमार सहरसा से, आनंदी यादव पटना से, प्रदीप पटेल लखीसराय से, पप्पू डोम खगड़िया से, द्वारका पासवान पटना से, दीनानाथ प्रसाद पटना से, मंजर आलम वैशाली से, तपसी राय वैशाली से, बबलू कुशवाहा वैशाली से, मंजू देवी उर्फ मंजू दास वैशाली से, इसराफिल अंसारी पटना से प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं, प्रेम शंकर सिंह प्रदेश महासचिव समस्तीपुर से बनाए गए हैं, जुलानी मुबीन प्रदेश सचिव सारण से बनाए गए हैं, सुमित कुमार उर्फ दीपू वर्मा प्रदेश महासचिव शिवहर से बनाए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि विनोद कुमार राय तिरुपति नाथ समस्तीपुर और भागलपुर से बनाए गए हैं, दिनेश कुमार यादव मुंगेर महानगर से, संजीव कुमार खगड़िया से, राम शीप उर्फ रंजन सिंह अरवल से, चांद अंसारी गया महानगर से, यूसुफ आजाद अंसारी औरंगाबाद से, इब्राहिम अंसारी रोहतास से, जितेंद्र उराव पूर्णिया से, राजेश मंडल प्रदेश महासचिव पूर्णिया से, गोरख यादव भोजपुर से, संजीव मिश्रा सुपौल से, सौरभ कुमार पूर्वी चंपारण, अजय पटेल गया, सतीश दास गया, अजय पटेल पटना से, प्रवीण कुमार शर्मा गया से, अजय सिंह सहरसा से, अजय कुमार अजनबी सुपौल से, आभा रानी जहानाबाद से, छाया रानी सुपौल से, प्रमोद कुमार सिन्हा पटना से, राजीव कुमार झा मधुबनी से, रामशीष पासवान मधुबनी से, लाल बहादुर पंडित समस्तीपुर से, विवेक चौबे पूर्वी चंपारण से, राम नरेश सिंह सीतामढ़ी से। देखिए कुल 98 लोगों को प्रदेश महासचिव समेत कुल 99 लोगों को प्रदेश सचिव बनाया गया। देखिए लालू प्रसाद यादव 9 महीने बाद पटना लौटे हैं, राजधानी पटना लौटे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार वो पटना आए, और पटना आते ही उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। तो फिलहाल के लिए खबर में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार इन शॉर्ट्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।